नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़ और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। पेड़ उगल रहा है आग, मचा हड़कंप। गोंडा में रेलवे स्टेशन के पीछे पुराने नर्सरी में एक पेड़ में अजीबो गरीब तरीके से आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से पेड़ के नीचे जड़ के पास शाम को आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड बुझाकर चली गई। पेड़ अंदर से खोखला होने की वजह से रात में आग अंदर ही अंदर सुलगते हुए पेड़ के ऊपरी हिस्से से आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। मौके पर पहुंची आरपीएफ और सिविल पुलिस ने लोगों की मदद से पेड़ को आरे से कटवाकर गिरा दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया। अज्ञात कारणों से पेड़ में आग लग गई थी और बहुत तगड़ा इसमें से आग लग गई थी, ऊपर से निकल रहा था, जनहान होने की ज्यादा खतरा था, इसलिए आना पुराना रेलवे का ही आपको पेड़ पुराना भी था, अंदर से खोखला था, उसमें नहीं। हाँ, कंट्रोल पा लिया गया है और लगभग काबू में। तो ये कब से आग लगी हुई थी? ये आग अज्ञात कारण लगी थी, हमारे समझ से आग बहुत पहले से लगी हुई थी और धीमे धीमे पेड़ पकड़ लिया, तो पेड़ के जो है उसमें कटवा करके उसको भिजवाया जा रहा है। भाई साहब, ये शाम को 6 बजे पेड़ के जड़ से थोड़ी थोड़ी आग निकल रही थी, तो लोगों ने देखा और दमकल विभाग को फ़ोन किया, वो आए और पुलिस के लोग भी आए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग भी आए और क्या कहते हैं आरपीएफ वाले भी आए। लोगों ने उसको कुछ टाइम आग बुझा दिए, लेकिन आग पेड़ के जड़ के अंदर लगी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं आप तने से निकल रही है। इसमें लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि ऐसी लपट निकल रही है जैसे लोगों ने कभी देखा ना हो। कहाँ पे लगी है आग, किस जगह का? रानीगंज घुसियाना के पीछे जो रेलवे का नर्सरी का इलाका है उसमें लगी है, और इधर से हम लोग का आना जाना भी है, क्योंकि मेरा घर यहीं इंदिरा आवास कॉलोनी करीपुरवा में है, और इसी से मैं भी आ रहा था अभी निकल के, तो देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मैं भी रुक गया। तो इससे क्या नुकसान भी हो सकता है काफ़ी? जी, का नुकसान क्यों नहीं हो सकता भाई, अभी मान लीजिए अगल बगल के क्षेत्र में आग लग जाए, लोगों के पक्के मकान बने हुए, इधर घास फूस पूरा फैला हुआ, पेड़ पूरा नर्सरी का है, रेलवे कंपाउंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर का बम, जैसे सिलेंडर के अगर जल रहा हो तो ऐसे आग फेंकता है, वैसे आग निकल रही है।